आज नया डिश पपीते की भुर्जी। इसके लिए मैंने कच्चा पपीता लिया, एकदम टाइट वाला, जिससे हमको किसने में प्रॉब्लम ना हो। एकदम टाइट कच्चा पपीता है ये, हरा वाला। इसको मैंने महीन वाले किसने से किस लिया है, ये अंदाजन है, कोई क्वांटिटी नहीं है इसकी। एक हरी मिर्च ली है, एक पिंच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक और ये 1 से 2 चम्मच तेल। तो चलिए पपीते की भुर्जी तैयार करते हैं। सबसे पहले गैस को हम स्लो में रखेंगे, क्योंकि तेल जलने के बाद में तड़के में मज़ा नहीं आता है। तो ये मैंने 1 चम्मच तेल डाला है इसमें। सबसे पहले हरी मिर्च, हल्दी, हल्दी का रंग आ गया है तेल में। अब ये पपीता, नमक स्वाद अनुसार। इसको नमक को बहुत अच्छे से मिला लेंगे, हल्दी का कलर भी आ जाए ऐसा मिला लेंगे अच्छे से। और इसको हमको पूरा नहीं पकाना है, अधकच्चा टाइप से ही पकाना है, थोड़ा सा क्रिस्पी रहना चाहिए। तो ये इसको अच्छे से मैं मिलाने के बाद में 2 मिनट के लिए इसको ढक दूंगी, कवर कर दूंगी इसको। ये पूरी तरह से नमक और हल्दी मिक्स हो गया है, इसको 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। गैस को स्लो ही रखा है मैंने। इसका जो पपीते का मॉइस्चर, नमक का जो मॉइस्चर है वो पूरा सूख जाना चाहिए। बस 2 मिनट बाद इसको हटाएंगे ढक्कन से और इसका जो पानी है इसको सुखा लेंगे तेज आंच करके। और स्लो नहीं रखना है, एकदम तेज आंच करके इसको पानी है जो नमक वाला है जो सब सुखा लेंगे अच्छे से। देखिए आप कढ़ाई में कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा है, मैं इसको दबा दबा के भी पूरा देख रही हूँ, कहीं भी पानी का कोई असर नहीं दिख रहा है। और एकदम भुरभुरा हो गया है ये पपीता। और गैस बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये पपीते की भुर्जी तैयार हो गई है। आप किसी भी तरह के ढोकले वगैरह बनाते हैं, खमन ढोकले, सूजी के ढोकले, उसके साथ में इसको खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है और एकदम पौष्टिक है ये पपीता। पक्का पपीता जितना हमको गुण करता है उतना कच्चा पपीता भी करता है। और इसको घर में आप बनाइए ढोकलों के साथ में, बहुत बढ़िया लगता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।